वेलकम है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ गार्डनिंग विद ललिता भंडारी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का टॉपिक है मेरा कुछ जो मैंने सीड्स ऑनलाइन मंगाए हैं उनके ऊपर। और ये सब देखिए, जो पहले मैंने सीड्स मंगाए थे वो सब ग्रो होने लगे हैं। और ये टोमेटो के तो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, ये देखिए तो सब देखिए कुछ तो रेडी भी हो रही हैं और कुछ ये अटैक हो गया कीड़ों का, ये देखिए कुछ नीम का छिड़का और कुछ ये ग्रो भी हो गए जो पहले सीड्स मंगाए थे। और ये और आज जो मैंने और सीड्स मंगाए हैं उनके ऊपर ये टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। और अगर चैनल पे नए हैं तो एक दफ़े फिर से आपसे कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए। तो देखिए ये जो सीड्स हैं, तो ये मैंने छोटे वाले पैकेट्स मंगाए थे, तो उसमें ये मेरे को फ्रेंच बीन्स के, पालक के और धनिया, मटर और कॉस्मोस फ्लावर्स के मिले हैं। और एक कोकोपीट की ब्रिक्स मिली है छोटी सी, और इन्हीं में मैं ग्रो करूँगी इनको, छोटे छोटे पॉट्स में कुछ प्लांट्स, और फिर इनको मैं शिफ्ट करूँगी। देखिए पालक तो नहीं करूँगी मैं और ना धनिया करूँगी, बीन्स कर दूँगी और मटर के भी कर दूँगी, वो भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए कोकोपीट भी मिली मुझे फ्री, तो इसी को मैं आज कोकोपीट को कैसे यूज़ करें ये भी बता रही मैं आपको। तो देखिए ये मैंने एक बाल्टी है मेरे पास, आप सोच रहे हो ये गंदी हो रही है, ये वाइट वॉश वाली बाल्टी है, तो इसी में मैं कोकोपीट को भिगोऊंगी। तो और ये कोकोपीट्स फिर रेडी करके फिर मैं छोटे छोटे जो मेरे पास पॉट्स हैं उनमें ये सीड्स लगा दूंगी। तो देखिए जैसे ये तो हम डायरेक्ट ग्रो करेंगे धनिया, तो मैं ये बीन्स के और मटर के थोड़े बहुत लगा दूँगी। तो ये कुछ मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा खाली कर देती हूँ। और कोकोपीट की ब्रिक्स इसमें मेरी भीग जाएगी, ये देखिए। आप कोकोपीट जब भी लें तो इस तरह से भिगो दें, कोई बड़ी बाल्टी ले लें। अगर आपके पास बड़ी वाली ब्रिक्स है, ये तो बहुत छोटे साइज़ की है, इसलिए मैंने छोटे से डिब्बे में भिगो दी। तो अब ये भीग जाएगी, फिर मैं ये सीड्स अपने ग्रो करूँगी। तो ये देखिए ये सब हैं, ये थोड़ी देर में भीग जाएगी। तो आज का टॉपिक था मेरे जो सीड्स मैंने फिर से कुछ परचेज करे हैं उनके ऊपर। तो आप भी अब विंटर वेजिटेबल्स की ग्रो करना शुरू कर दीजिए और रेडी कर लीजिए, क्योंकि अब फिर अक्टूबर भी आने वाला है और धीरे धीरे अब सीज़न भी थोड़ा चेंज हो जाएगा वेदर, तो हम लोग ग्रो कर सकते हैं आराम से विंटर वेजिटेबल्स। और कुछ तो जो मैंने पहले ग्रो करी आपको दिखा चुकी है, देखिए धनिया और टमाटर कितने बड़े बड़े हो गए हैं, और कुछ मैंने ऐसे लगा दिए हैं और वो आगे। और इधर ये सरसों का साग तो देखिए बहुत बड़ा हो गया, हार्वेस्ट करने लायक हो गया है। तो देखिए ये मैंने भिगो दी, तो देखिए कितनी बड़ी हो गई है। तो ये भीग जाएगा एकदम और फिर इसको ग्रो करेंगे। और कुछ मैं अपकमिंग विंटर्स के लिए देखिए, मैं जैसे कहती हूँ आपको वेस्ट इज़ बेस्ट, वो देखिए थर्माकोल के डिब्बे में सॉइल रेडी कर रही हूँ और इसमें मैं फ्लावर्स वगैरह लगाऊंगी। और कुछ कुछ तो सब्जी रेडी भी हो रही है, ग्रीन वेजिटेबल्स, वो आगे देखिए। तो विंटर गार्डनिंग का हमें ये फ़ायदा है कि हमें थोड़ा वाटरिंग कम करनी पड़ती है और ज़्यादा वाटर का टेंशन नहीं होता है। लेकिन समर्स में तो देखिए प्रॉपर हमें अगर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर वाटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत जल्दी पौधे सूख जाते हैं, बहुत गर्मी पड़ती है। तो विंटर में थोड़ा सुकून होता है कि पानी की उतनी हमें एक एक दिन छोड़ के भी हम डालेंगे, अगर दो दो दिन छोड़ के भी डालेंगे ज़्यादा ठंड में तो चल जाता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट करी तो कर दीजिए और विंटर्स में स्टार्ट करिए, बहुत आपको ईजी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही,
फिर मिलते हैं एक नए ब्रांड के साथ और एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखिए ब्रिक्स बड़ी होती जा रही है, ये देखिए अभी भीगने में टाइम लगेगा। तो सीड्स तो देखिए सभी को लगाने आते हैं और सीड्स ऐसी मैं अब लगाऊंगी इनको अब थोड़े थोड़े। और आज के लिए बस इतना ही। तो ये एक आपको सीड्स की शॉपिंग दिखा रही थी मैं अपनी।